स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मैथ 10th 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रोडक्शन हम पहले लेक्चर में करवा चुके हैं। आज हमारा इसका मैथ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके जरिए? फैक्टराइजेशन के जरिए। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का तरीका आपको पहले ही पता है या नहीं पता तो चलो हम आपको बता रहे थे, इसको सॉल्व करके हम आपको समझा देते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। फैक्टर स्टूडेंट इस तरह बनाने हैं, आपके सामने पहले सवाल की रकम समझो लिखी हुई है, x² - x - 20। आपने जो लास्ट 2 फिगर है ना आपकी, ये वाली 20 और एक्सकेयर के साथ, एक्सकेयर का कुछ नहीं है इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो आपने इस तरह करना है 1 × 20। लास्ट 2 वाली को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया जी? 20। अच्छा जी, ये 20 करने के बाद आपने जो सेंटर वाली आपकी सम है उसको आपने चेक करना है, सेंटर वाली सम को। सेंटर वाली सम में आपके पास क्या है जी? सेंटर वाली सम के बाद आपके पास एक्स है। क्या है? एक्स। एक्स इसके साथ 1 है, जिसका कोई नहीं होती साथ, उसका जो अदली सर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो आपने फैक्टर बनाने 20 के, ऐसे 2 फिगर फैक्टर बनाने हैं, ऐसे 2 फिगर आपने फैक्टर बनाने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 20। मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए? 20। अगर आप उसी फिगर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ये देखें, यानी क्या करें, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 बनना चाहिए और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मतलब हम चेक करते हैं जी, -1 है और +5 है जी, ठीक है। अच्छा, और आप इस तरह हम चेक कर लेते हैं इसको कि हमारे पास है -5 और +4, ठीक है। सबसे पहले हम इसको माइनस करना है, प्लस के 4 है और माइनस के कितने हैं? 5 है। इसका मतलब हमारे पास माइनस का 1 बचेगा और -5 और -4 20 हो गए, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का हमारे पास 20 बनेगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम आपके सामने बताते हैं इसके फैक्टर। अच्छा जी, ये फैक्टर है जी आपके सामने x² - 5x + 4x - 20, ठीक है। इन दो में से आपने अपना काम लेना है, इन दो में से अपना काम है जी। इसमें से हम x को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास रह जाएगा x और माइनस क्या आ जाएगा? 5। प्लस इसमें से आप 4 को कॉमन निकालोगे, x आ जाएगा 4 × 5 = 20 = 0। अच्छा जी, अब ये x - 5 और x - 5 एक जैसी सम है, इनमें से आप एक लिख लोगे x - 5 और इधर से x और बार वाला 4, x + 4 = 0 के। अब इन x - 5 और x + 4 को आपने दोनों को 0 के सामने रख लेना है जी। x - 5 = क्या आ जाएगा? 0 और x + 4 = भी किस चीज के आ जाएगा? 0 के। स्टूडेंट ये माइनस का 5 है, इधर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है जी। सोल्यूशन स्टूडेंट आप लिखोगे आपके पास है 5 और -4, ठीक है जी। ये स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 - इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 32x = 17x², ठीक है जी। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसको अरेंज कर लेना है, आपके पास बड़ी सम स्क्वायर वाली इस साइड पे, तो आपने ये लेफ्ट वाली साइड से इसको राइट साइड पे ले जाना है। ये 32 है माइनस का, जब उस साइड पे जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, इक्वल आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। स्टूडेंट सेम पीछे वाला फार्मूला बनाना है, 17 और 4 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनते हैं 68। कितने बनते हैं? 68। इसके अब आपने फैक्टर बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं जी? फैक्टर। अच्छा, फैक्टर बना लेने हैं। जब आप फैक्टर बनाओगे तो यानी 32 के आपने फैक्टर
32 के हिसाब से बनाने हैं ये, अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो 32 बन जाए, अगर उन दोनों फिगर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 बन जाए। तो इसके लिए हम स्टूडेंट इस तरह करेंगे 34 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाएगा 68, और 34 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 32 आ जाएंगे जी। 17 एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0। 17 को कॉमन ले लेना है, एक्स को भी साथ में, 17 भी कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन आ गया, एक्स रह गया आपके पास 17, 2 साथ 34, माइनस 2 को कॉमन लेना आगे से एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आर 4 इक्वल 0। स्टूडेंट बीच वाले एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 ये दोनों क्या है, सेम है, इसको लिख लेना है। उसके बाद आपने 17 एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इसको लिख लेना है, दोनों को 0 की इक्वल कर देनी, एक्स प्लस 2 इक्वल 0, 17 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना स्टूडेंट, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये 17 एक्स ये 2 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल आ जाएगा 17 ओवर 2 के। सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट यहां आप लिख लें, सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2 ओवर 17 ओवर 2। ये हो गया जी पार्ट नंबर 2। आगे हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट मैंने पार्ट नंबर 3 पहले कर दिया, पार्ट नंबर 2 जो है ना वो रह गया था, अब पार्ट नंबर हम इसका 2 कर देते हैं, जो कि अहम क्वेश्चन है। अब जो पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं ये एक्स्ट्रा चार क्वेश्चन आ जाता है जी, लिखते हैं जी क्वेश्चन। ये पार्ट नंबर 2 है, 3 वाला पहले हो गया। 3 वाई स्क्वायर इक्वल वाई वाई माइनस 5, ठीक है जी, ठीक है जी। 3 वाई स्क्वायर इक्वल वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई को 5 से आप करोगे तो आपके पास हो जाएगा 5y, ठीक है जी। अब ये देखें जी 3y स्क्वायर, इस सम पूरी को इस तरफ ले आना है, ये y स्क्वायर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, वो 5x प्लस का था माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इक्वल हो गया आपका 0। स्टूडेंट 3y स्क्वायर में से हमने एक y स्क्वायर को क्या कर देना है, माइनस कर देना, आपके पास रहेंगे 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0। इसमें से हमने y को कॉमन निकाल लेना है, निकाले नहीं, y निकल आया, अंदर रह गया 2y प्लस 5 इक्वल 0 जी। ये y को मैं अलग रख लेता हूँ 0 के इक्वल, ये आ गया जी, और 2y प्लस 5 को आपने अलग इक्वल रख लेना है 0 के लिए, ठीक है। अब ये y को तो आपका 0 आ गया, इसको करो 2y ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, अब y आ जाएगा 5 ओवर 2 जी। ये स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन सेट है जी, सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे जी 0 माइनस 5 ओवर 2 जी। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया जी। अब हम अपना इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 है जी एक्स स्क्वायर माइनस 11x 152 जी। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसको अरेंज कर लेना है, अरेंज करने के बाद इसके फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 152 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 152 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 152 आएगा। तो इसका मतलब है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 बनना चाहिए, अगर उसी को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 बनना चाहिए। तो ये स्टूडेंट 19 मल्टीप्लाई 8 करके देख लेते हैं, ये बन जाता है 152, और 19 में से अगर 8 आप माइनस कर दोगे आपके पास कितने आ जाते हैं 11। तो हम इसके 19 और 11 के हिसाब से फैक्टर बनाते हैं जी, देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8 माइनस 152 इक्वल 0। एक्स को आप कॉमन निकालोगे एक्स माइनस 19 हो जाएगा, इसमें से 8 को कॉमन निकालोगे एक्स माइनस
19 और 19 ये दोनों सेम सम हैं, इनको पहले लिख लेना है, उसके बाद x प्लस 8 इक्वल 0 आ जाएगा। दोनों को लगा था इक्वल 0 के कर देंगे, 0 और x प्लस 0 जी, ये 19 इधर जाके प्लस को हो जाएगा और वो 8 उधर जाके माइनस को हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे 19 ओवर माइनस 8 इस रैंक, ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 हो गया जी। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले से आप मुश्किल क्वेश्चन है। पार्ट 5 है इसका लिख एक्स प्लस 1 जी ओवर है आपका एक्स, उसके बाद एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल आपका 15 ओवर 12। सबसे पहले आपने इसका एक्स है नीचे और एक्स प्लस 1 है, क्योंकि हमने इसको तरतीब देना है, तो आपने एक्स और एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है पूरी सम्स के साथ। यहां लिख लेना जी एक्स और एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने से, क्या करने से जी, मल्टीप्लाई करें जी, ये कह रहे हैं जी एक्स प्लस 1 और एक्स जी। इसके बाद आप आगे भी लिखेंगे जी एक्स एक्स प्लस 1 नीचे एक्स आ जाएगा और फिर एक्स प्लस 1 सामने लिखेंगे जी 25 ओवर 12 ठीक है जी। अच्छा जी ये देखें स्टूडेंट एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स को 1 से आप करोगे एक्स हो जाएगा, फिर 1 को एक्स से करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर इस 1 को इस 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा जी। इधर से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स भी। ये मैं लिखना भूल गया था ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने है जी 25 ओवर 12 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, स्टूडेंट क्लियर हो गए यहां तक जी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लेना आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर ली, उसके बाद ये वाला एक्स और ये वाला एक्स इनको इकट्ठा कर लेना आपके पास 2x हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल 25 को इसके साथ प्लस कर लेना 25x स्क्वायर प्लस 25 ओवर 12, 12 को इसे मल्टीप्लाई कर देना जी 12 को इसके साथ जी 24x हो जाएगा स्क्वायर और आगे भी आ जाएगा 24x और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा सामने आपके पास में 24x स्क्वायर माइनस प्लस 25। आज मैं बड़ी ये समझा इसको उस तरफ ले जाना, पहले वो लिख लेनी है जी 25x स्क्वायर प्लस 25 ये 24 प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस का, वो भी 24 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का और ये 12 भी इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा जी 25 में से 24 निकाल देंगे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप 25x में से आप 24x को निकाल दोगे आपके पास x रह जाएगा। अच्छा जी उसके बाद आपके पास आ जाएगा 12 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 0। स्टूडेंट आपके पास नीचे आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 12 इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं जी, ऊपर से रेज कर लेते ये समझ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 12 फैक्टर आपने 12 के हिसाब से बनाने हैं ठीक है, 12 भी हो जाए और 1 भी हो जाए तो 4 3 12 और 4 में से 3 निकाल देंगे हमारे पास बचेंगे 1 फॉर्मूले में 4x माइनस प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0 x को आप कॉमन ले लोगे आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इधर से आप 3 को कॉमन लोगे आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0 जी x प्लस x माइनस 4 एक जैसी सम है और x प्लस 3 इक्वल 0 जी। हाँ जी x माइनस 4 को आप अलहदा 0 के बराबर रखोगे और x प्लस 3 को अलहदा 0 के बराबर, ये 4 का इधर जाके माइनस हो जाएगा और वो प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे 4 व माइनस 3
क्लियर हो गया।